hello students of class 8 how are you all hopefully you all are doing well and so we were doing lesson number 8 of the midnight oil uh, the last leaf and this is last part of the lesson this is part 5 so we have done uh, till <coughs> two paragraphs of page on page number 93 now let's continue further the day wore away and even though the twilight they could see and even through the twilight they could see the lone ivy leaf clinging to its stem against the wall it means जब दिन खत्म होने वाला था वो दिन बिल्कुल ख़त्म होने वाला था अब इवनिंग हो रही थी तो इवनिंग के टाइम पे जैसे सनसेट होता है ना सनसेट के जस्ट थोड़ा सा पहले जो शाम के सूरज ढलने का टाइम होता है सनसेट से जस्ट पहले उस हल्की सी लाइट में भी उन लोगों को वो लीफ दिख रही थी आई लीफ बाहर विंडो के बाहर दिख रही थी जो अभी भी अपनी स्टेम से हैंग हुई हुई थी अगेंस्ट द वॉल राइट टू लाइट मीन्स द डिम लाइट जस्ट बिफोर द सनसेट सेट ऑल राइट एंड देन विद द कमिंग ऑफ द नाइट द नॉर्थ विंड वाज अगेन लूस्ड वाइल्ड द रेन स्टिल बीट अगेंस्ट द विंडोज एंड पैटर्ड डाउन द ओल्ड वॉल्स इट मीन्स जैसे भी दिन ढल रहा था चाहे वो थोड़ी सी इवनिंग थी थोड़ी सी शाम थी अंधेरा तो होने वाला था ना सनसेट होने वाला था तब भी वो लोग उस लीफ को देख सकते थे जो लास्ट लीफ अभी अपनी स्टेम पे लटकी हुई थी हैंग हुई हुई थी वॉल्व के अगेंस्ट तो वो अभी भी वहाँ दिख रही थी उन लोगों को और उसके बाद जैसे ही रात होती गई रात होते होते ठंडी हवा भी फिर से चलने लगी थी नॉर्थ की तरफ से बहुत तेज़ हवा चलने लगी थी और बारिश भी विंडोज़ पे पड़ रही थी बहुत ज़्यादा तेज़ वो अगेंस्ट द वॉल मीन्स ओल्ड पुरानी दीवारें थी पुरानी दीवारों पर पैटर्ड मीन्स वो बारिश की आवाज़ होती है ना बारिश पड़ रही थी पूरी पूरी अच्छे ते, तेज तेज़ थी जो रेन थी वो बहुत तेज़ थी हवा भी चल रही थी साथ में रेन भी बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी और ओल्ड वॉल्स पे अच्छे से पड़ रही थी तब भी वो लीफ वहाँ पे उन लोगों को दिखाई दे रही थी वो लीफ अभी भी नहीं गिरी थी एट डॉन जॉन्सी कमांडेड दैट शेड बी रेज्ड इट मीन्स क्योंकि रात को बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी और साथ में बारिश भी हो रही थी तो सी ने क्या किया होगा स्यू ने विंडोज़ को कवर कर दिया होगा शेड से ताकि क्योंकि हवा भी चल रही थी तो जिससे क्या है कि ठंड ना लगे श्यू जॉन्सी को तो मॉर्निंग में जैसे ही अर्ली मॉर्निंग हुई डॉन मीन्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग जैसे ही सुबह होने लगी तभी जॉन्सी ने कमांड किया ऑर्डर दिया कि अब शेड हटा दिया जाए मतलब जो जिसको कवर किया हुआ है शेड से वो अब उठा दिए जाए तो द आई बिलीव स्टिल देयर उसने फिर से बाहर देखा तो उसने देखा वो लीफ अभी भी बाहर है इतनी तेज़ रात को बारिश हुई हवा चली तब भी वो लीफ नहीं गिरी जॉन सी फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग इट वो थोड़ी देर लेट गई और काफी टाइम तक उस लीफ को देखती रही एंड देन शी कॉल टू स्यू उसने फिर से स्यू को बुलाया आई बीन अ बैड गर्ल स्यू सेट जौन्सी जॉन्सी ने अपनी फ्रेंड सीओ को बुला के बोला मैं शायद बहुत ही बुरी लड़की हूँ ना जो समथिंग हैज़ मेड दैट लास्ट लीफ स्टे देयर टू शो मी हाउ विक्ट आई वॉज मीन्स अब सी मतलब जॉन्सी को इतना बुरा लग रहा था जॉन्सी को ये फील हो रहा था कि लीफ अभी तक भी नहीं गिरी है इसका मतलब मैं बहुत बुरी हूँ ना उसने अपने फ्रेंड को बुला के बोला जैसे इमोशनली डिप्रेशन में बोल देते हैं ना कि सी मैं बहुत बुरी लड़की हूँ ना मतलब कोई तो ऐसी बात है ना जिसने इस लास्ट लीव को रोका हुआ है वो अभी तक हैंग हुई हुई है अपने पेड़ पे और इसमें मेरी जान अटकी हुई है कि ये कब गिरेगी और मैं कब मरूंगी मतलब मैं बहुत ही बुरी विक मींस बहुत बुरी बहुत गंदी रही होंगी ना बहुत बुरी होंगी ना कि मेरे को अब डेथ भी नहीं आ रही है डेथ भी तड़पा रही है कि ये ला लीव भी नहीं गिर रही है ये लीव गिरेगी मुझे लगता है कि मैं इसके साथ मरूँगी बट ये लीव भी नहीं गिर रही है और मैं भी नहीं मरी अभी तक है ना इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई ये एक पाप ही तो है कि मरने के लिए भी मुझे इंतजार करना पड़ रहा है मैं तड़प रही हूं कि मेरी डेथ हो जाए मैं इतनी बीमार हूं मतलब ये लीव भी नहीं गिर रही है क्योंकि मुझे पता है कि ये लीव गिरेगी तो मैं मरूंगी तभी यू मे ब्रिंग मी सम मिल्क विद अ लिटिल पॉट इन इट एंड नो ब्रिंग मी अ हैंड मिरर फर्स्ट एंड देन पैक सम पिलोज अबाउट मी एंड आई विल सिट अप एंड वॉच यू कुक फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है थोड़ा सा मेरे लिए दूध ले आओ मिल्क ले आओ उसमें कुछ मिला के जैसे हॉर्लिक्स वगैरह होते हैं और फिर उसने कहा नहीं नहीं रुको पहले मुझे एक छोटा सा मिरर ला के दो मुझे अपने आप को देखना है फिर उसने कहा कि उसके बाद एक छोटा सा मिरर लाने के बाद मुझे आ, बिठा दो अच्छे से और मेरे पीछे बैक में पिलोस अच्छे से कवर कर दो मतलब अच्छे से सेटअप से कर दो जैसे कोई बीमार होता है आपको पता है तो पिलोस बैक में लगा देते हैं ना कि वो बैठ सके ताकि मैं बैठ जाऊँ और फिर तुम्हें कुक करते हुए देख सकूँ और फिर मुझे तुम मिल्क लेकर आना मिल्क ला देना ऑल राइट एंड आर लेटर शी सेड एक घंटे बाद आ, उसने कहा सी समे आई होप टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स मीन्स अब उसने कहा जॉन्सी uh, ने कि शी तुम्हें पता है मैं उम्मीद कर रही हूँ कि शायद कि काश मैं बे ऑफ नेपल्स पेंट कर सकूँ बे ऑफ़ नेपल्स मीन्स क्या है मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में कि इटली में साउथ वेस्टर्न कोस्ट एरिया है मतलब गल्फ इन इटली मीन्स uh, कोई कोस्टल एरिया सी एरिया जिसे बोलते हैं वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न कोस्ट एरिया है इटली का जो स्यू पेंट करना चाहती है वो जॉन सी पेंट करना चाहती है ऑल सो right? so, उसने कहा कि मुझे उम्मीद है शायद काश कि मैं बे ऑफ नेपल्स पेंट कर सकूं उसके बाद क्या हुआ द डॉक्टर विजिटेड इन द आफ्टरनून एंड स्यू हैड एन एक्सक्यूज टू गो इन टू द हॉलवे एज़ ही लेफ़्ट मीन्स अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ था डॉक्टर आए दोपहर में और उन्होंने जॉन्सी को चेकअप किया फिर वो चेकअप करने के बाद बाहर जाने लगे हॉलवे में हॉलवे मीन्स अ पैसेज बिटवीन रूम्स इट मीन्स आपको पता ही है एक रूम से दूसरे रूम में जाने का रास्ता या बीच का रास्ता जब हम बाहर निकलते हैं ठीक है तो अब स्यू के पास स्यू बहाना बना के जॉन्सी के पास से निकली डॉक्टर के पास गई जैसे ही वो निकले उनसे पूछने के लिए कि अब आपने चेक किया था तो अब स्यू कैसी है जॉन्सी कैसी है All right, so now come to the next page, page number 94 Even chances, said the doctor, taking Sue's thin, shaking hand in his. With good nursing, she will recover soon. So now mark this for who said to whom. Even chances, said by the doctor to Sue. See, अब doctor ने कहा Sue को उसका पतला सा हाथ अपने हाथ में लेके मतलब shake hand करते हुए उसको खुशी से कहा कि हाँ, even chances मतलब हाँ अब चांसेस हैं अब थोड़े से अच्छे से चांसेस हैं उसका थोड़ा सा आप केयर करोगे नर्सिंग अच्छी करोगे मतलब उसका ध्यान रखोगे तो वो जल्दी ही आप रिकवर कर जाएगी आपको समझ में आया स्टूडेंट्स कि अब क्या हुआ है कि उसने उसका हाथ पकड़ के शेक हैंड करके हंस के मतलब थोड़ा खुशी से पॉजिटिवली कहा कि हाँ बहुत बेटर चांसेस हैं अब अगर आप उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे तो वो रिकवर हो जाएगी एंड नाउ आई मस्ट सी अनदर केस आई हैव डाउन स्टेयर्स ठीक है अब मैं चलता हूँ मुझे नीचे जाना है नीचे ही मेरा एक और केस uh, है जो मैं मुझे चेक करना है बर्मन हिज नेम इज़ सम काइंड ऑफ एन आर्टिस्ट आई बिलीव उनका नेम बर्मन है एंड uh, वो शायद uh, आर्टिस्ट है मुझे लगता है शायद मुझे याद है मतलब अगर मैं मैं ठीक से बताऊँ मुझे ठीक से याद नहीं है बट कन्फर्म नहीं है बट हाँ शायद मुझे लगता है कि वो एक आर्टिस्ट हैं उनका नेम बिली बर्मन है जिनको मुझे अभी चेक करना है निमोनिया टू मतलब उनका भी निमोना ही है मतलब जो अब अब डॉक्टर ने बोला कि मुझे अब मैं चलता हूँ मुझे नीचे जाना है नीचे डाउन स्टेयर्स पे मेरा एक केस है जिस एक पेशेंट है जिनका नाम बर्मन है उनको भी निमोनिया ही हुआ है वो एक आर्टिस्ट हैं ऑल राइट ही इज़ एन ओल्ड वीक मैन एंड अटैक इज अक्यूट मतलब वो बहुत ओल्ड बूढ़े हैं बहुत वीक इंसान हैं बहुत वीक हैं और उनको अटैक एकदम पड़ा था एकदम आया है देर इज़ नो होप फॉर हिम उनके ज़िंदा रहने ही उनके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है बट ही गोज़ टू द हॉस्पिटल टूडे टू बी मेड फॉर मोर कम्फर्टेबल उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है बट फिर भी वो हॉस्पिटल आए थे मॉर्निंग में अपने आपको और कम्फर्टेबल फील करवाने मतलब ठीक देख, देख चेकअप कराने की हाँ शायद मैं ठीक हो सकूँ द फॉलोइंग डे द डॉक्टर सेट टू स्यू शी इज़ आउट ऑफ डेंजर न्यूट्रिशन एंड केयर नाउ दैट्स ऑल तो डॉक्टर फिर नेक्स्ट डे आए उन्होंने स्यू को फिर बताया कि अब ये खतरे से बाहर है मतलब अब ये ठीक हो चुकी है बिल्कुल जॉन्सी बिल्कुल ठीक है अब डेंजर से बाहर है कोई खतरा नहीं है बस इसको थोड़ी सी केयर चाहिए आप इसका देखभाल करेंगे अच्छे से हेल्दी फूड देंगे न्यूट्रिशन मीन्स हेल्दी फूड देंगे अभी डाइट अच्छी देंगे तो ये ठीक हो जाएगी एंड नथिंग एल्स और कुछ भी नहीं देना है एंड दैट आफ्टरनून स्यू केम टू द बेड वेयर जॉन्सी ले कंटेंट कंटेंटेडली निटिंग अ वेरी ब्लू woolen shoulder scarf and put one arm around her. प्लोज एंड ऑल मीन्स अब क्या हुआ उसी दिन फिर दोपहर में सी आई और जॉन्सी के पास उसके बेड पे उसके साथ बैठ गई और कंटेंडली मीन्स with satisfaction सेटिस्फाई होके कम्फ़र्टेबली अच्छे से उसके साथ बैठने के बाद वो पहनकर आई थी एक ब्लू कलर का वुलन शोल्डर स्काफ़ और उसने अपनी अपनी एक आम जैसे बैठते ना फ्रेंड्स गले में गले हाथ डाल के है ना तो उसके पास कम्फर्टेबली उसके आम मतलब उसके शोल्डर के अराउंड उसके एक आम Uh, रख के बैठ गए अच्छे से पिलोज वगैरह ठीक से करके कंफर्टेबली दोनों बैठ गए आई है समथिंग टू टेल यू वाइट माउस शी सेड हु सेड जॉन स्यू स्यू ने अब बोला उसके पास कंफर्टेबली बैठ के स्यू ने किसको बोला जॉन्सी si, अपनी फ्रेंड को कंफर्टेबल उसके पास बैठ के वाइट माउस ये शायद मिस्टर बर्मन को वाइट uh, माउस करके ट्रीट करते होंगे तो उन्होंने बोला कि मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ निमोनिया टुडे इन द हॉस्पिटल ही वॉज इल ओनली टू डेज means uh I'm सीयू को बता रही सी बता रही थी जॉन्सी को कि जो मिस्टर बर्मन थे वो उनकी डेथ हो चुकी है निमोनिया की वजह से हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो चुकी है उनको निमोनिया हो गया था वो सिर्फ दो दिन से ही बीमार हुए थे अभी दो दिन पहले ही उन्हें निमोनिया हुआ द जेनेटा फाउंड हिम इन हिम द मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट डे इन हिज रूम डाउन स्टेयर्स हेल्पलेस विद पेन जेनेटर जो है उसने उनको ढूंढा था मतलब जेनेटर को वो अपने रूम में नीचे नीचे पड़े हुए मिले थे और इतने बेसहारा थे उनको बहुत पेन था पेन में तड़प रहे थे बेसारा नीचे पड़े हुए अपने रूम में मिले थे वो उनको नाउ जेनेटा मीन्स जेनेटा अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ क्लीनिंग एंड रिपेयरिंग अ बिल्डिंग मतलब जो बिल्डिंग में साफ सफाई और रिपेयरिंग के लिए आता होगा तो वो जब बर्मन के घर गए होगा तो उसने देखा होगा कि जेनेटर जो बर्मन है वो लेटे हुए हैं और बहुत पेन में तड़प तड़ रहे हैं तो वो बता रही है जॉन्सी को स्यू बता रही है कि मिस्टर बर्मन जेनेटर को ऐसे ऐसे बीमार पड़े हुए मिले थे अपने रूम में हिज शूज़ एंड क्लोथिंग वेट थ्रू आई थ्रू एंड आई कोल्ड उनके शूज़ गीले हुए थे उनके कपड़े पूरे गीले हुए थे और वो बिल्कुल ठंड में बिल्कुल बर्फ़ की तरह जमे हुए थे वो नो बडी कूड इमेजिन वेयर ही हैड बीन ऑन सच अ ड्रेडफुल नाइट किसी को नहीं पता कि वो इतनी रात को इतनी बुरी रात को मतलब बुरी रात मतलब आप समझ सकते हैं बाहर इतनी तेज़ आंधी तूफान चल रहा था बाहर बहुत तेज़ बारिश थी इतनी इतनी ज़्यादा आंधी तूफान रात को तूफ़ानी रात को वो कहाँ थे किसी को नहीं पता और इतनी आंधी तूफान रात तूफ़ानी रात को वो बाहर थे तभी उनको ठंड लगी उनको निमोनिया आया और वो दो दिन के अंदर अंदर उनकी डेथ हो गई जब उन्होंने ये सब डिस्कशन किया मतलब जौन्सी ने सॉरी स्यू ने जॉन्सी को ये सब बताया कि उनकी डेथ हो चुकी है और किसी को नहीं पता कि वो इतनी इतनी बुरी रात को कहाँ थे और जब वो उनको देखा गया वो ज़मीन पे पड़े हुए दर्द में तड़प रहे थे बिल्कुल ठंडे हुए पड़े थे कपड़े वगैरह पूरे गीले थे इसका मतलब कि वो कहीं बाहर से होकर आएंगे उस उस तूफ़ानी रात में बाहर गए होंगे लेकिन किसी को नहीं पता था कहाँ गए उसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ एंड दे फाउंड एंड देन दे फाउंड अ लैंटर्न

जॉन सी बता रही थी जॉनसी को कि वो आ, मिस्टर बर्मन नहीं रहे क्योंकि उन्हें जब दो दिन का निमोनिया हुआ और निमोनिया कैसे हुआ कि न, जो हमारे यहाँ क्लीनिंग करने आते हैं उनको वो अपने रूम में लेटे हुए बीमार पड़े हुए मिले निमोनिया में और बिल्कुल गीले हुए हुए थे आईसी कोल्ड मतलब ठंडे थे और उनके कपड़े भी गीले थे इसका मतलब वो रात को पूरी रात कहीं से होकर आए थे बाहर से और किसी को नहीं पता था कहाँ से होकर आए थे अब इनको क्या मिला जब इन्होंने विंडो से बाहर झाँका इन्होंने देखा कि वहाँ पे एक मतलब लेंटर्न पड़ा है लेंटर्न मीन्स आप पिक्चर में भी देख सकते हैं लेंटन मीन्स लालटेन उनको वो मिला और वो अभी भी जल रहा था मतलब स्टिल लाइटिंग मीन्स अभी भी वो जला हुआ था ऑन था एंड एक एक मिली उनको लेडर मींस एक उनको दिखाई दी और जो अपने प्लेस से खिसकाई हुई थी वहां से हटाई हुई थी एंड कुछ उनको पड़े हुए फैले हुए स्कैटर्ड मींस फैले हुए ब्रशेस ब्रशेस मीन्स आपको पता है जिससे पेंटिंग करते हैं। और लेडर लेडर हमने पढ़ लिया था कि वहाँ पे सीढ़ी रखी हुई थी राइट वो जहाँ से अपनी प्लेस से हटाई हुई थी ब्रशेस आपको बता दिया मैंने आ, फैले हुए रखे थे मींस ब्रशेस पड़े हुए थे मींस जो पेंटिंग के लिए यूज़ होते हैं ना ब्रश वो सब रखे हुए थे वहाँ पे पैलेट थी एक पैलेट मींस जिसमें वाटर कलर्स जैसे होते हैं ऐसी पेंटिंग कलर्स होते हैं तो एक पैलेट थी जिसमें कलर्स रखे हुए थे जिसमें ग्रीन कलर भी था और येलो कलर था मिक्स मिक्सड ऑन इट मतलब पैलेट में येलो एंड ग्रीन कलर मिक्स हुए हुए थे एंड लुक आउट ऑफ द विंडो डियर at the last i will lie uh, i will leave on the wall तो इन्होंने देखा जब थोड़ी देर में कि वहाँ पे तो एक लालटेन पड़ा हुआ है जो अभी भी ओ, ओ, मतलब ऑन है और एक सीढ़ी रखी हुई थी वहाँ पे और फिर उन्होंने ब्रशेस देखे और पैलेट देखी जिसमें कलर्स निकले हुए थे तो उस पर इन्होंने देखा बाहर झाँक कर फिर विंडो पे सामने जो वी थी उस पर भी देखा एक बार फिर से वॉल पर जो लीफ थी लास्ट आई वी लीव थी उसको भी इन्होंने देखा फिर एक दूसरे से एक बात की तो उसने बोला डिंटी यू वंडर इट नेवर फ्लटर्ड और मूव्ड when the 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 wind blew, ah darling, it's Burman's masterpiece. He painted it there that the night that the last leaf fell. So जॉनसी uh, 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 को कि तुमने कभी हैरानी नहीं हुई क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि ये लास्ट लीफ जो पेड़ पे त, uh, जो बेल पे थी हैंग हुई हुई वो क्यों कभी मूव नहीं हुई क्यों वो इतनी वो टूटी नहीं और गिरी नहीं इतनी तेज हवा में भी इतना आंधी तूफान था बारिश थी तब भी वो लीफ लास्ट लीफ क्यों नहीं गिरी तुमने कभी सोचा नहीं इस बारे में ये किसने पूछा सी सी ने पूछा जॉनसी से तो अब उसने बताया ओ माय डार्लिंग इट्स बर्मन मास्टरपीस ये बर्मन का मास्टरपीस है मतलब जो उन्होंने पेंट किया है तुम्हारे लिए ही पेंटेड इट देयर दैट द नाइट दैट द लास्ट लीफ फेल उस रात को उन्होंने पेंट किए ये लीफ तुम्हारे लिए जिस रात वो लास्ट लीफ जो थी वो गिर चुकी थी वो लास्ट लीफ गिर गई थी तो उसके बाद बर्मन मिस्टर बर्मन ने सोचा था कि मैं ये लास्ट लीफ जो गिर गई है उसको पेंट कर देता हूँ यहाँ पे ताकि तुमको लगे यानी कि जॉन्सी को ऐसा लगे कि लास्ट लीफ अभी भी नहीं गिरी है वो वहाँ पे है तो वो अपने आप को पॉजिटिव रखेगी कि अभी भी ये है तो मैं भी हूँ नहीं तो उस तुम्हारी उम्मीद खत्म हो जाती है अगर वो लास्ट लीव गिर जाती तो तुम्हारी जीने की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो जाती तो तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिविटी मेंटेन रखने के लिए मिस्टर बर्मन ने रात को जाके इतनी ठंड में तुम्हारे लिए तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिविटी रखने के लिए ये लीव को पेंट किया था जिसकी वजह से वो ठंड में बीमार हुए और फिर वो की डेथ हो गई और दिस वॉज़ हिज लास्ट मास्टर पीस मीन्स जो उन्होंने पेंट किया वो ये उनका मास्टर पीस था जो उन्होंने लास्ट लीफ को पेंट किया तुम्हारे लिए इट वॉज हिज मास्टर पीस सो नाउ द चैप्टर एंड्स नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चन आंस टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड रिवाइज ऑल द पार्ट्स एंड जस्ट टेक योर क्वेरीज एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी दैन टेक इट एंड